हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है ए पैक्ट विद द सन। उसका चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये कहानी है दो पक्षियों के बारे में, किस प्रकार से ये दोनों पक्षी अपने जीवन में अलग अलग दिशाओं की तरफ चले जाते हैं, इस कहानी में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मादा पक्षी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चे जो थे वो छोटे छोटे थे, इसलिए वो मादा पक्षी अपने बच्चों का दिन रात बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। एक बार की बात है, बहुत भयानक तूफान आया, बहुत जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश भी आने लगी। बड़े बड़े जो पेड़ थे वो यहाँ वहाँ उखड़ गए और ये जो पक्षी जहाँ रहते थे वो भी पेड़ उखड़ गया। और उसके बाद में क्या हुआ, इनका घोंसला नीचे गिर गया और ये जो मादा पक्षी जो थी उसके एक पेड़ की शाखा टकराई और वो मादा पक्षी जो है मर गई। अब ये जो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं ये अनाथ हो गए। बहुत तेज हवा बहने लगी और बहुत तेज हवा के साथ में दोनों पक्षी अलग अलग दिशाओं में पहुंच गए। पहला पक्षी जो था वो एक गुफा के पास पहुंचा और उस गुफा में लुटेरे और डाकू रहा करते थे। दूसरा पक्षी जो है वो उड़ते उड़ते बहुत दूर एक आश्रम में पहुंच गया, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छे साधु बाबा रहा करते थे। तो इस प्रकार से ये जो दोनों पक्षी हैं ये बिल्कुल अलग अलग हो गए। एक पहुंच गया डाकुओं के पास और एक पहुंच गया साधु महाराज के पास। काफी दिन बीत जाने के बाद में ये पक्षी बड़े हो गए और उस जंगल में एक दिन एक राजा जो शिकार करने के लिए आए थे वो एक बहुत ही प्यारे से हिरण का पीछा कर रहे थे। और हिरण का पीछा करते करते वो जंगल में बहुत ज्यादा आगे चले गए और वो जंगल में खो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय कहाँ है और अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। काफी देर घूमने के बाद में, यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद में वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। और वो अंततः क्या हुआ, वो उस गुफा के पास पहुंचे जहाँ वो पहला पक्षी गया था। जैसे ही उस पक्षी ने राजा को देखा वो तुरंत चीखने लगा, अरे अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ कोई व्यक्ति आया है, उसके हीरे जवाहरात और उसके घोड़े को छीन लो वरना वो यहाँ से भाग जाएगा। राजा बड़ा ही चकित रह गया कि ये जो पेड़ पे भूरा भूरा पक्षी जो बैठा है ये तो बड़ा ही विचित्र है, ये तो मेरे प्रति कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो राजा ने सोचा कि यहाँ मुझे कोई आए और पकड़ ले, उससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने घोड़े को यहाँ से दौड़ा लिया और राजा वहां से तुरंत चला गया। काफी देर घोड़े को दौड़ाने के बाद में राजा बहुत थक चुका था। अब जो है वो आश्रम के पास पहुंचा और आश्रम के पास पहुंचने के बाद में उसने अपने घोड़े को बांध दिया। और जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसे बहुत ही प्यारी सी आवाज सुनने को मिली कि आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, आप अंदर आ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ऋषि महाराज जो है वो बाहर गए हुए हैं, जल्द ही वो आएंगे। अंदर घड़े में ठंडा पानी है, आप उसे पी सकते हैं, आप आराम भी कर सकते हैं। राजा जो है इस पक्षी की बात को सुन के बड़े चकित रह गए। राजा ये सोचने लगे, ये पक्षी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कुछ समय पहले उस गुफा के बाहर देखा था। तो वो पक्षी जो है वो राजा को कहता है, जी हाँ श्रीमान, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, परंतु वो मैं नहीं था, वो मेरा भाई था जो अब डाकुओं का दोस्त बन गया है और उन्हीं के साथ में रहता है। इसलिए डाकू जैसा काम करते हैं वैसा ही उसका व्यवहार हो चुका है। तभी ऋषि महाराज आश्रम में आए और उन्होंने राजा का स्वागत किया कि राजा जी आइए, आप अंदर चलिए और अंदर चल के आराम कर सकते हैं, आप काफी थके हुए लग रहे हैं, मेरी कुटिया के अंदर चल के आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए और मैं आपको कुछ भोजन भी खिलाता हूँ। अब राजा ने
उस ऋषि को ये सारी बातें बताई कि किस तरह से ये दोनों पक्षी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पहले पक्षी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और दूसरे पक्षी ने मेरा बहुत ही विनम्रता से स्वागत किया। तो साधु महाराज राजा की बात को सुन के मुस्कुराने लगे। साधु महाराज ने कहा कि आप जिस पहले पक्षी के पास गए थे वो डाकुओं के पास रहता है, इसलिए उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही हो गया है। जिस प्रकार से डाकू किसी व्यक्ति को लूटने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से उसका व्यवहार भी सभी लोगों के प्रति ऐसा ही रहता है। परंतु अगर मेरे पक्षी की बात करें तो ये हमारे साथ में रहता है और यहाँ इसे सब कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है, इसलिए इसने आपका बहुत ही शालीनता से स्वागत किया और आपके साथ में अच्छा व्यवहार किया। सच्ची तो कहा है किसी ने कि व्यक्ति जिस किसी प्रकार की संगत में रहता है उसका व्यवहार वैसा ही बन जाता है और वो खुद भी वैसा ही बन जाता है। पहला पक्षी डाकुओं की संगत में आके बुरा बन गया और दूसरा पक्षी यहाँ हमारे साधुओं की संगत में आके बहुत ही अच्छा बन गया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।